नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चाय पर चर्चा, ये शो जिसके जरिए जो चुनावी चर्चा क्या हो रही है इन दिनों ग्राउंड जीरो पर, ये हम आपको बताते हैं। सिवान में हम मौजूद हैं, सिवान में चाय की दुकान, ये चाय की दुकान है और चाय पर चर्चा यहाँ होती रहती है। बस वो चर्चा हम आपको दिखाना चाहते हैं कि चर्चा क्या हो रही है, किसके पक्ष में हो रही है। और चुनाव की चर्चा में हवा का रुख किधर है, सिवान की हवा क्या कहती है, सिवान की जनता का मूड क्या है, इसे समझने के लिए चाय पर चर्चा में अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और एक बार तालियां बजाकर आप दर्शकों का उत्साह बढ़ाइए कि बताइए कि यहाँ उत्साह कितना है, सिवान में उत्साह है चुनाव को लेकर। सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और उत्साह इस बार फीका है जो होना चाहिए था, लेकिन इस बार चुनाव में वो गर्मी नहीं है जो होनी चाहिए थी। भीषण गर्मी है लेकिन चुनाव में गर्मी नहीं है। नहीं, चुनाव में गर्मी नहीं है इसलिए कि मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं। जो राजनेता हैं वो मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये धर्म के आधार पे ये चाहते हैं कि धर्म के धार्मिक बात हो, इधर उधर की बात हो, मुद्दे सभी लोग भूल चुके हैं, मुद्दे पे कोई बात करने के लिए। मुद्दा क्या होना चाहिए, मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा विकास होना चाहिए। सिवान में बात हो रही है विकास की? नहीं, विकास की तो कोई बात ही नहीं कर रहा अभी तक। यहाँ माना जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है, रोजगार की रोजगार मुद्दा होना चाहिए, लेकिन कोई भी प्रत्याशी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। क्या बात हो रही है? पिछले 10 साल ओम प्रकाश यादव ने एक कागज लेकर हमेशा दिखाया करते थे कि हमने एक अलॉट करा दिया, एक टेंडर हो जाएगा, इसका काम लगने वाला, लेकिन आज तक नहीं लगा। 5 साल एक महिला सांसद थी, उन्होंने भी कहा कि ईश्वर डाला के लिए अप्रूवल मैंने करा दिया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। लोग सिर्फ अपने जाति के आधार पर यहाँ पे वोट कलेक्ट करने के लिए। यहाँ तो निर्दलीय प्रत्याशी भी हिना शाह भी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वो उनसे उम्मीद है क्या? हाँ, उनसे उम्मीद है क्योंकि वो पिछले 15 साल से वो बेचारी लड़ रही हैं और जनता की सहानुभूति उनके साथ अभी फिलहाल है। अब आगे देखिए जनता का मूड क्या होता है। विकास की बात यहाँ पर कौन कर रहा है? विकास का बात तो कोई नहीं कर रहा है। अभी निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद शहाबुद्दीन की बीवी जो हिना साहब है, इस बार मूल लोग बना दिया है। जी हाँ, 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ है सिवान में। 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ है? नहीं, पिछले जो हम पिछले 15 साल से हमको तो नहीं दिख रहा है कि कोई भी विकास हुआ। 10 साल क्या, 15 साल से हम लोग जो मुख्य प्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट देते आए हैं, तो उन लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपके प्रतिनिधि यहाँ से भेजे जाते हैं वो यहाँ विकास को देखें। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि पिछले 10 या 15 साल ही मान के चलिए कोई भी विकास हुआ। 15 साल में क्या कोई विकास के काम नहीं हुए हैं? विकास नहीं हुआ है 15 साल से। सिवान में कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ लोग आता है कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ झांसा देते हैं। कैसे जीतते रहे जी? अरे हम लोग अपने भाग से जी रहे हैं, अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं, कोई नेता कुछ नहीं करता है। यहाँ जीत कैसे रहे हैं? यहाँ पर विकास एक ही हुआ है, सिर्फ सिवान में जाम लगता है और मच्छर काटता है, यही विकास हुआ है 15 साल। मच्छर काटता है, मच्छर का विकास हुआ? बहुत ज्यादा विकास मच्छर का हुआ है। हर घर गाँव गली में मच्छर काट रहा है और जाम लगता है, सिवान में यही विकास किया है लोग। अच्छा, एक माता जी भी हैं क्या? आप रोटी बना रही हैं? या यहाँ कुछ काम हुआ है सिवान में? कुछ काम हुआ है, कुछ विकास हुआ है? काम हो रहा है के दुकान वाला आदमी बंजमी के का पता बटे काम में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। हम लोग खाली रोटी पर बना, रोटी बनाने से चलाइए से जाइए से। आटा महंगा है, महंगाई बढ़ गया है। अच्छा, वोट किसको दीजिएगा? इसके बताइए हम किसके देगा, जिन्हें सब लोग दियो ना हमें, हम उन्हीं के देव सो। मोदी जी को जानते हैं? जानता है नाम का ही नहीं जानते बने। राहुल गांधी हाँ, तब का अपन सब लोग दी तो मैं हम उन्हीं के देव सो। अच्छा, चलिए यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके लिए खाना भी बनाती हैं। सिवान में निर्दलीय प्रत्याशी टक्कर में है? हाँ, टक्कर में है। यहाँ जो नाउम्मीदी है, आप कह रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी आया, कोई भी सांसद बना, उनसे उम्मीद नहीं है, तो उम्मीद अब निर्दलीय से है क्या? निर्दलीय से भी उम्मीद है और बाकी एक और प्रत्याशी हैं और विजय चौधरी, उनसे भी उम्मीद है, वो भी विकास के मुद्दे पे बात कर आरजेडी की। बाकी तो मुझे और किसी पार्टी को लोगों को नहीं लगता। आप लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, उम्मीद किससे है फिर? आरजेडी से। क्यों? क्योंकि ये बार जो माहौल चल रहा है तेजस्वी यादव का, वही माहौल ठीक है। क्या रोजगार? जी, रोजगार और जो 17 महीना में जो नौकरी दे दी है, रिकॉर्ड का
तोड़ दिए। ईडी वाले कहते हैं नीतीश कुमार दिए। कहाँ से नीतीश कुमार दिए, 15 साल नीतीश कुमार थे तो काहे नहीं दे दिए। नौकरी कौन दिया है? जो है ना आरजेडी वाले बढ़िया है, उनको वोट दिया जाएगा। और विकास के करें तो हम लोग मोदी के नाम पर विकास वोट दे देते हैं, और जो भी जीतता है मोदी के नाम पर कोई आता नहीं है सिवान। जब मोदी जी के नाम पर पिछली बार वोट दिए थे जी, कोई आता नहीं है। 5 साल से कविता सिंह थी, कोई एक बार भी नहीं आई। कविता सिंह थी, एक बार भी नहीं आई। शहर का हाल देख लीजिए, देख लीजिए थोड़ा इधर जाम का, अभी 9 बज रहा है। जाम के बारे में कितना जाम लगेगा अभी वाला ही नहीं है। शहर में लोग घुसने के लिए कुमार है जो मान लीजिए कि बन जा रहा है और बदल जा रहा है, उन पे हम लोग का विश्वास भरोसा नहीं। कब किस में चल जाएंगे उनका भरोसा तो बोल रहे हैं, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं, उनका कहना है 3 बार हो गया, हर बार बोलते हैं कि इधर उधर नहीं जाएंगे। नाम पे हम लोग वो अपने खाली सीट के लिए जहां चल जाएंगे कुर्सी के लिए वोट नुकसान। नीतीश जी अब इधर उधर नहीं जाएंगे बोल तो रहे हैं। नीतीश जी पर भरोसा करना नहीं है। नीतीश जी कब कहाँ जाएंगे ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, वो उनका विचार जानेगा कि वो कहाँ जाएंगे। अच्छा, मोदी की गारंटी पर भरोसा है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ सिवान की लड़ाई अजीब तरह की लड़ाई है। वही मैं समझना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इतना कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन यहाँ हर बार का चुनाव में होता है। आप देवी का वो गीत सुने होंगे, बहे के पूर्वा रामा बह गए पछुआ, तो वही कहीं हो सकता है चुनाव। एक सिवान का जनता जो है उसको जानना बड़ी टफ काम। अभी कौन सा हवा चल रहा है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। 25 तारीख को चुनाव होगा, आपको परिणाम 4 तारीख को मिलेगा, जो आएगा वो सामने आएगा। चलिए ठीक है, वो हवा हवा किधर बह रही है मुझे लगता है अभी तय नहीं कर पा रहे हैं जनता, है ना। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर बात विकास की नहीं हो रही है। मंगलसूत्र की बात हो रही है, विरासत टैक्स की बात हो रही है, पीएम मोदी कर रहे हैं, ये सब मुद्दे हैं क्या? नहीं नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, सब फालतू का बकवास है और कुछ नहीं है। मोदी जी को ये सब बात नहीं करना चाहिए, विकास का बात करना चाहिए। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है, रोजगार बेरोजगारी एकदम चरम पे है, उस पर कोई बात ही नहीं करते हैं, ना मैनिफेस्टो में कुछ जिक्र है उसका। लेकिन ठीक है, जो यहाँ पे जो ग्राउंड मुद्दा है वो मोदी से हटके है। यहाँ का जो मुद्दा है, जो लोग सिवान को अशांत करना चाहते हैं फिर से, वो होने वाला नहीं है। और जो लोग व्यू में आगे डाल रहे हैं वो लोग भी सतर्क हो जाए, सिवान अशांत नहीं होगा फिर से, शांति रहेगा यहाँ पे हमेशा। जो साफ छवि के लोग हैं वही यहाँ पे। क्या बाबा, हम कहाँ बोले, कहाँ बोले, सिवान सब ठीक है? सिवान में ठीक है न बा, सब ठीक है न बा, जाम लगते बा, कमाई होते नहीं है कहीं से। वोट केकरा दे बताओ ले बाद में, सीक्रेट इतना सीक्रेट काहे रखे हैं? तो बाद में बताओ ले, बाद में बताओ जाए, अभी डिसाइड नहीं किया, बताया नहीं किए हैं। अभी कहां तो है बाद, अभी सोच रहे हैं, अभी सोचल जाता है। आ निर्दलीय भी है, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं टक्कर में, सोच के बताओ ले अभी क्या क्या कर दिया, क्या क्या करना दो सोच के बताओ। सर ये सिवान है ना, जो वो सिवान मोदी के नाम पर किसी को भी वोट दे सकता है। जदयू आज तक भी कोई नहीं दी, ना पिछला दिन ना अब जदयू, लेकिन मोदी के नाम पे सबकी नैया पार लग जाती है, और इस बार भी मोदी के नाम पर नैया पार लगेगी ही लगेगी। मोदी के नाम पर नैया पार लगेगी, यहाँ कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर यहाँ पर नैया पार लग जाती है हर बार। मोदी के नाम पर नैया पार लग जाती है, बड़ी अच्छी बात है। 14 में लहर था, 19 में भी लहर था, आप घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या लहर वो दिखाई दे रहा है। आज लोग पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि जो अच्छे किए थे, 15 लाख की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था अच्छे दिन, क्या अच्छे दिन आ गए? उन्होंने वादा किया था कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, क्या भ्रष्टाचार मिट गया? सारे भ्रष्टाचारियों की एक गैंग बना करके वो खुद चला रहे हैं, उनकी सरकार चल रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा अभी ठंडा नहीं हुआ है। गाय हमारी माता है, बड़ी अच्छी बात है, सुनने में मन को बड़ा संतुष्ट होता है। आपने कहा मोदी जी के नाम पर, तो लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट 2014-19 से पड़ा, इस बार क्या वैसे ही है लहर? फिर भी मोदी का लहर अब तक कम हुआ ही नहीं है। जहाँ तक बात करें, 4 करीब आ सकता है बेटा है, लेकिन सही बात ये है कि बिहार ने 400 नहीं, उनका नारा भले है 400 पार, लेकिन बिहार के हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने 4000 सीटें दी हैं।
अब जितना लेना है लेते रहो, अब बनाते रहो, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हमारे बड़े पापा हुए हैं, कुछ नहीं है, विकास विकास हुआ है, चारों तरफ विकास हुआ है। अब यहाँ के लोकलिटी को चाहिए कि यहाँ पे ज्यादा विकास करें। यहाँ के जो माननीय एमपी है, जो पिछले एमपी, तो उन लोगों को चाहिए कि अपने क्षेत्र के लिए। वो सांसद से नाराजगी है, कैंडिडेट से नाराजगी है, लेकिन मोदी जी के नाम पर अभी भी सबसे नाराजगी है। अभी भी इसी भी कैंडिडेट से बहुत, मोदी जी के नाम पर इनको वोट पड़ेगा तो पड़ेगा ही। उनका भरोसा है मोदी जी की गारंटी पर, इसलिए मोदी जी की गारंटी पर पूर्ण भरोसा है हम सिवान वासियों को कि मोदी जी जरूर कुछ ना कुछ अब सिवान के लिए बहुत अच्छा चीज करेंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज सब उन्हीं लोग करेंगे। इनको मैं अभी पूर्व में कह रहा था कि अगर चश्मा पहन लीजिएगा, डिजिटल चश्मा है, तो लगेगा कि पेरिस लंदन है। जैसे चश्मा उतर जाएगा लगेगा कि हम बंटी चाय दुकान पर हैं। तो ये विकास के चश्मा से दे रहे, रेल भेल सेल तेल सब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सब खत्म कर दिया, निजीकरण कर दिया इन्होंने। यही विकास के, इन्हीं की सरकार थी कि जहाँ बहन बेटी महफूज नहीं है, देश के बेटी नंगी हो रही, यही इन्होंने विकास करवाया। यही आज से विगत 15 वर्ष पहले देख लें तो 15 वर्ष पहले की हालत क्या थी इनको खुद पता है। अब ये झूठ बोले या फिर बात को बगला, चश्मा कौन लगाया है? आप लगाए? चश्मा उन्होंने लगाया है, चश्मा उन्होंने लगाया है, जिनको कुछ दिखता नहीं है, ना ऊपर ब्रिज दिखता है, ना रेल दिखता है, ना कोई फैक्ट्रिया दिखती है, कोई किसी को। चश्मा आप तो नहीं लगाया है ना, डिजिटल चश्मा? आपको विकास दिखता है? दिख रहा है काम? विकास तो विकास भाई पहले कितना भइल? बहुत ज्यादा विकास भइल बाबा। अब आप विकास नहीं के चाहिए? अब इससे ज्यादा जरूरत अब इससे का चाहिए? अब केकरा का चाहिए? सब को के मिलिए कर बताओ केकरा के का चाहिए? का मिलल जेकरा जोन विकास चाहिए जोन मिलिए कर बाबा, जेकरा जोन चाहिए मिलिए कर। 5 किलो राशन? बस 5 किलो राशन ठीक बा? वैसे तो मिलल बा। पूर्व सांसद थे विकासपुर से, ये अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने, विपक्ष के सरकार ने विकासपुर के 99% उन्होंने। बाबा कह रहे हैं कि जकरा जकरा जे चाहिए सबके मिल गई। नहीं, उनकी अलग अपनी सोच है। मैं कह रहा हूँ कि भारत का पहला एक ऐसा जिला है जिन्होंने विकासपुर के, भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शहाबुद्दीन साहब को विकासपुर के नाम दिया, बल्कि ये उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने विकास किया, ये ड्यू टू भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के। आप मुझे बताइए तो बार बार हारे क्यों? जी जी, ओम प्रकाश यादव फिर बाद में जीते गए, हिना साहब भी हारी। देखिए ये शहाबुद्दीन, अगर भरोसा था तो जनता उन पर भरोसा जताती। हारने के लिए तो इंदिरा गांधी भी हार गई, कितने लोग उनके साथ है इस पर डिपेंड करता है। शहाबुद्दीन साहब क्या आज भी आप देखेंगे परसेंटेज बढ़ता है, घटता नहीं है। तो हारने के लिए तो इंदिरा गांधी भी हार गई है, तो क्या पिछली बार भी हारी थी? तो पिछली बार भी मोदी जी पर भरोसा था? कोई बात नहीं, इस तरह ये जनता है, लोग अब की बार ये तय कर लिया है कि एक विधवा औरत को पार्लियामेंट में भेजने का काम सिवान के महान जनता ने तय कर लिया। बात है कि अगर जिस विकास की आप बात और पूछ रहे हैं सवाल आप लोगों से, विकास अगर हुआ है, वाकई हो सकता है कि हुआ हो, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर विकास हुआ है, विकास उन्होंने किया है, तो वो विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं मछली रामनवमी में मछली पे कह रहे हैं, मंगलसूत्र पे आ गई बात, मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, मंगलसूत्र पे। कौन 70 साल से कांग्रेस की शासन थी। सिवान की जनता का मूड क्या है ये समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब यहाँ मुद्दों की बात जरूर लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वोट किसे दें। मुद्दों की बात की चर्चा यहाँ पर हुई थी, मंगलसूत्र मटन मछली का ये सब मुद्दा है। जहाँ तक रहा मंगलसूत्र का मुद्दा, तो मंगलसूत्र का मुद्दा उन्हीं की अलायंस पार्टी ने उठाया, जो कि एक जो सक्षम आदमी, जो आदमी कमा कर अपना पैतृक प्रॉपर्टी बिटोरे, उसमें से बंटवारा हो लोगों को, वो कांग्रेस छीन ले, एक एक चीज का बंटवारा कर ले, तो उसमें मंगलसूत्र भी आ गया। जब उनको एक एक चीज चाहिए तो एक एक चीज में गाना भी चाहिए ना उनको। 10 साल के शासन के बाद उनको विकास की बात करना चाहिए, अपना विकास की विरासत टैक्स की बात हो, संपत्ति आपकी संपत्ति ले ली जाएगी, ऐसा कोई नहीं है मैनिफेस्टो में, सब मनगढ़ंत कहानी है। और 10 साल में उनको अपना कार्य गिनाना चाहिए, बल्कि मंगलसूत्र ये सब नहीं देखना चाहिए। और मोदी जी तो खुद अपने बीवी को छोड़ दिया, अपना मंगलसूत्र उन्होंने रखा ही नहीं, समझोगे तो दुनिया का मंगलसूत्र। कोई किसी को छोड़ा नहीं, कुछ त्याग समर्पण की भावना जिसमें रहती है तो उसको थोड़ा सा मोह माया छोड़ना ही पड़ता है। जब देश इतना बड़ा देश चलाना है तो कुछ मोह माया नहीं, वो किसी का व्यक्तिगत उस पर नहीं हम जा रहे हैं, लेकिन क्या विरासत टैक्स की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर है तो उसे लेकर जनता के दिमाग में क्या चल रहा है? सिवान का जो अभी राजनीतिक परिवेश है वो पूरी तरह से दलगत से ऊपर उठ चुका है। यहाँ पे 3 वर्गों की लड़ाई है, यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है, सभी लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें
यहाँ जो लोकल मुद्दा है वही रहेगा, लोकल मुद्दे पे ही चुनाव होगा। जो लोग सिवान को अशांत करना चाहते हैं उन लोगों का मुहिम फेल होगा यहाँ पे। कौन अशांत करना चाहते हैं? जो लोग चाहते हैं यहाँ पे, जो लोकल लोग चाहते हैं, सिवान फिर से 15 साल पीछे नहीं जाएगा, इस बात को तय है। लेकिन देश में मोदी जी का उनके कार्यों का हम विरोध करते हैं, जो देश में व्यापक बेरोजगारी बढ़ा हुआ है उसके खिलाफ है हम। लेकिन जो सिवान की राजनीति है उसके परिवेश में हम लोग जो देख रहे हैं उसमें अभी NDA प्रत्याशी ही मजबूत लग रही है, और आगे देखते हैं जनता तय करेगी। लेकिन सिवान को आसान तो नहीं करने देंगे। आप कह रहे हैं इंडिया प्रत्याशी, NDA मतलब मोदी जी का विरोध है लेकिन NDA प्रत्याशी यहाँ से मजबूत है फिलहाल। ये वोट मोदी जी के नाम पर पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे लोकल मुद्दे पर वोट पड़ रहा है। सुनिए सुनिए, इन्होंने बहुत एक कहावत है, ठीक है, एक व्यक्ति का शादी नहीं हो रहा था तो एक व्यक्ति का शादी नहीं हो रहा था तो एक कोई अगुआ थे उन्होंने शादी कराना के तय किया, तो कहा कि शादी हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखो तुमसे मेरा शादी हो जाएगा ना तो लंदन लेकर जाएंगे, पेरिस लेकर जाएंगे। जब उसकी शादी हो गई तो वो औरत पूछी कि जी आप तो कह रहे थे कि पेरिस लेकर घुमाएंगे, लंदन लेकर घुमाएंगे, अब क्या होगा? आ तो कहा कि तुम समझ नहीं रही थी, मेरी शादी नहीं हो रहा था ना इसीलिए तुमको ये आश्वासन दिए थे। तो कहे कि हट मोदी कहीं का, जिस तरह मोदी झूठा है उधर तुम झूठे हो, वही बात इन पर है। विकास की बात नहीं करेंगे ये, केवल यही बात करेंगे, तीन तलाक की बात करेंगे। लंदन पेरिस बार बार आप बता रहे हैं? जी हाँ, लंदन पेरिस इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, लंदन पेरिस बाकी नेता भी आश्वासन देते हैं ना, वादे करते हैं? नहीं, अगर सबसे ज्यादा अभी तो इनको डाटा देना चाहिए ना कि आपने क्या रोजगार दिया। आपने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अडानी अंबानी की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार, पूछिए कि मोदी जी से सब कोई विकास की बात करेगा, जब अपना टाइम आएगा तो सबकी जाति धर्म ऊंच नीच में सबकी बढ़ देगा। सिर्फ मोदी जी विकास करे, बाकी कोई बाकी मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, जो भी अपना आदमी विकास करे। गोद का क्या हाल हुआ? प्रधानमंत्री ने गोद लिया तो कुछ गाँव की, आज उसकी कुछ चर्चा हुई, स्मार्ट सिटी की चर्चा हुई, बात हर बार मुद्दे बदले जा रहे हैं, विकास को मुद्दा को गायब, और बेरोजगार कर देना है पूरे देश को, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। देखिए बहाली रेलवे में कितनी हुई है पिछले 10 साल में, इस पर कभी चर्चा हो रही है कि रेलवे ने कितनी बहाली की है पिछले 10 साल में? बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, मुद्दा युवाओं के लिए बहाली इशू है। युवाओं के लिए बहाली है, युवाओं जितने शिक्षित हैं वो सारे के सारे आज के जॉब में हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जॉब में रोजगार मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा है। पूछिए सर कि सिवान को गोद लिया गया था, जीरा देव को क्या गोद में ही रहेगा कि खेलेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ बड़े भाई से कि गोदे में रहेगा कि खेलेगा? क्या उन्होंने विकास किया? केवल देखिए, एक बहुत अच्छा मेरे बड़े भाई बोल रहे थे, देखिए बच्चे लोग को डाइवर्ट किया जाता है। सिवान पर चर्चा किया जाए, सिवान के विकास क्या हो रहा है? सांसद थे उस सिवान के बारे में क्या किए? जो चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या ला रहे हैं? सिवान में दो बहुत बड़ा समस्या है, एक जाम का, एक सिसवन ढाला का। दो अब तक किसने प्रयास किया? बीजेपी, JDU, RJD छोड़ दी, किसी ने प्रयास नहीं किया, किसी ने नहीं प्रयास किया अभी तक। 15 साल प्रयास हुआ है, 15 साल सिर्फ फेसबुक पे के कागज अपलोड करके दिखा, 10 साल वही विकास किया तक नहीं लगा। आज 15 साल में जो भी सांसद बने हैं, मैं ये बात नहीं कहना चाहूँ, उन्होंने विकास किया जो सरकार, लेकिन उन्होंने जो विकास किया है उसका अभी तक वही बात हो जाती है कि जनता फिर भरोसा क्यों नहीं जता पाती है? ये बात वही हो जाती है ना, जनता फिर भरोसा क्यों नहीं कर पाई? फिर आप लोग क्यों नहीं जिता होती? नहीं, देखिए ये हारना जीतना अलग की बात, फिर एक बार रिपीट कर उसी में कह रहे हैं ना। देखिए अगर चुनाव हारना कोई मकसद नहीं है साहब, आप लोगों ने भरोसा अगर जताया होता तो जीत जाती। जी कोई बात नहीं, सही विकास संभव है। हाँ। और शांति स्वभाव जब रहेगा तभी जाके विकास हो पाएगा। और सिवान की जो जनता है वो शांति सद्भावना बनाए रखना चाहती है, जो लोग चाह रहे हैं अशांत करने के लिए। फिर बताइए अशांत कहाँ हो रहा है? इनसे ये पूछा जाए कि अशांत लोग सोच रहे हैं अशांत करने का, और संभव नहीं है। देखिए एक कहावत है गणेश जी का, जैसे हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ शुरू होता है ना तो गणेश जी की वंदना करके शुरू किया जाता, और इन लोग का आदत है, ये आदत इन लोग को छोड़ना पड़ेगा। भय मुक्त सिवान, कौन भय में है? ये चीज इनको छोड़ना पड़ेगा कि भय मुक्त सिवान। पहले जिस तरह गणेश जी की वंदना होती थी हिंदू धर्म में, कोई कार्यक्रम में गणेश जी की वंदना होती है, और इनकी पार्टी में साबुद्दीन की वंदना होती है, वहीं से शुरुआत होता है। वो भयमुक्त जहां इशारा कर रहा, नाम रख के कह रहा है इनको, किससे भय है? इनसे पूछा जाए किससे? हमने बात कर रहे हैं, हमने
किसी का भाई का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने चरितार्थ कर दिया कि किससे भय है। मैं इनके माध्यम से ही कह रहा हूं कि जनता को उन्हीं से भय है, इन्होंने खुद बताया है और यही बताएंगे। 15 साल जनता को किसी से भय नहीं है, जनता को मोदी जी से भय है। मोदी जी से भय इसलिए है कि पिछले 10 साल से मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन एक बार भी आज तक विकास के बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए एक बार सर्वदलीय बैठक तक नहीं किए हैं। और यहाँ एनडीए हम लोग 40 में से 39 सीट उनको जिता के देने का कार्य किए। वहीं आप गुजरात में देखिए, वहाँ आप गुजरात में देखिए 35-36 सांसद है, वहाँ पे इतना काम हो रहा है। हम लोग 39 सांसद उनको जिता के भेजे, आज तक एक मीटिंग तक नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि एनडीए का गठबंधन हम जिताएंगे। सिवान से मैंने, हम लोग की राजधानी पटना है और पटना की सिवान की दूरी 120 किलोमीटर है। ना रेलवे का कोई रेल ट्रेन है सिवान से डायरेक्ट पटना जाने के लिए, और जो बस भी है, बस लाइन भी है, वो भी हमेशा जाम रहता है। सिवान से कोई भी सांसद सिवान के लोगों को डायरेक्ट राजधानी से जोड़ने के लिए कोई आज तक कदम नहीं उठाया, कोई पहल नहीं है। सिवान का जो स्थिति है, यहाँ सांसद को चुनने के लिए वोट होगा, प्रधानमंत्री को चुनने के लिए? प्रधानमंत्री तो मदारी है, तो कहीं अपना लगा लेंगे मदारी। बात हम सिवान के कर रहे हैं, हमको प्रधानमंत्री से बात नहीं है, सांसद चुनने के लिए। कई जगहों पर लोग कह रहे हैं कि मोदी जी पीएम को चुनने के लिए। अच्छा पीएम, अच्छा प्रधानमंत्री एक तरफ तो मोदी जी का चेहरा है, दूसरी तरफ उम्मीद किससे कर रहे हैं, कौन बने? इधर तो कई सारे चेहरे हैं। कोई मजबूत विपक्ष नहीं है जिसपे हम भरोसा जता सके, लेकिन मोदी जी को भी हम लोग ये सबक सिखाना चाहते हैं कि हम लोग आपको इतना सीट जिता के दे रहे हैं, इतने सांसद दे रहे हैं, तो हमारे भी विकास के बारे में इधर विकल्प नहीं है आप लोगों के पास? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, लेकिन जो वो नारा दे रहे हैं अब की बार 400 बार मंत्री मोदी जी बनेंगे, लेकिन नाराजगी है उनसे। नाराजगी इसलिए है कि वो हमारे बारे में भी सोचे, बार बार वो गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो एक बार बिहार के बारे में भी तो सोचे। बिहार के लिए केवल मजदूर बन के यहाँ से ट्रेन भर के जाके गुजरात हरियाणा कार्य। एक तरफ मान लीजिए मोदी जी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है। नहीं नहीं, उम्मीद तो हमारा मोदी जी से है, राहुल गांधी जी से नहीं है। भाजपा को हराने के लिए कम से कम 300 सीट पलटना चाहिए। विपक्ष तो पहले ही हार गया है, राहुल गांधी अकेले लड़ेंगे तब न जीतेंगे, तो वो 130 पर लड़े कर रहे हैं, तो बहुमत तो अपने ही छोड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, लेकिन ये है कि नाराजगी है, कई सारे मुद्दों अभी भी अधूरे हैं जिस पर काम अभी होना बाकी है। बिहार में विकास की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, लेकिन इधर विकल्प नहीं है। शायद यही वजह है कि जनता अभी मूड बना नहीं पा रही है, मूड बनाती भी है तो देखती है कि एक चेहरा तो मोदी जी है। नहीं नहीं, जनता का मूड बना, लेकिन इस बार मोदी, लेकिन लोकल कैंडिडेट से नाराजगी जरूर है। अभी जनता मूड बना रही है, 25 मई को मतदान होना है, 4 जून को पता चलेगा सिवान की जनता ने फैसला क्या सुना है। चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही,